देखिए चिराग यूथ फाउंडेशन पिछले 4 साल से आगरा रत्न अवार्ड्स को आयोजित करती आ रही है। इसमें जो मेन उद्देश्य है लोगों के, वो हर फील्ड से 9 कैटेगरीज में हम लोगों को सम्मानित करते हैं। ये 9 कैटेगरीज शिक्षा, खेल, समाज सेवा, चिकित्सा, पत्रकारिता में से जो हमारी ज्यूरीज बैठ के डिसाइड होती है, 2 महीने पहले लोगों से नॉमिनेशन हम इनवाइट करते हैं कि आपकी नज़र में इस साल आगरा रत्न कौन है, किसने अपने मतलब बिना किसी निस्वार्थ भाव से काम करता हुआ आ रहा है, उन लोगों को चुन के हम आगरा रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हैं। ये हमारा 4th साल है जिसमें हम इस बार आगरा रत्न अवार्ड लोगों से सम्मानित कर रहे हैं। कब और कहाँ किया जाएगा? देखिए ये 26 दिसंबर को रविवार को माथुर वेश में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर और शहर के बाहर के भी जो IAS IPS हैं उनके थ्रू लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मैं सुनील शर्मा और अपना चिराग यूथ फाउंडेशन का यह है, मैं बतौर संरक्षक यह पदाधिकारियों के यह मार्गदर्शन देने की दृष्टि से या सुझाव देने की दृष्टि से इनके साथ काम करता हूँ। देखिए पिछले 10 वर्ष पूर्व इस संगठन की नींव रखी गई थी, उसके पीछे हेतु यही था कि सामाजिक कार्यों से जुड़ना और लोगों को जोड़ना। इस दृष्टि से यह पिछले 10 वर्षों से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और हमने विभिन्न प्रतिभाओं को जो आगरा में हैं उनको जो है ऐसे लोगों को एक्सपोजर दिया है इस मंच से जो केवल जो है इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमें नाम नहीं चाहिए, हमें केवल समाज की सेवा करनी है। परंतु हम लोगों की भी ड्यूटी बनती है, ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज का काम कर रहे हैं, ऐसी प्रतिभाएं उनको हम बाहर लेके आए। इस दृष्टि से पिछले 4 वर्षों से आगरा रत्न के रूप में ऐसी विभूतियों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और 26 तारीख को आने वाली 26 तारीख को 26 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम मातृवेश में होने जा रहा है, जहाँ पे ऐसी विभूतियों को जो है हम सम्मानित कर रहे हैं जो समाज को एक नई दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी मातृवेश भवन में चिराग यूथ फाउंडेशन शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। हर वर्ष इसी तरीके की प्रतिभाएँ जो होती हैं गिने जिन, लगभग इस बार हम 15 से 20 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और सारे खेल से संबंधित सांस्कृतिक प्रोग्राम, चिकित्सा, इस तरीके जो भी प्रतिभाएं होती हैं जो शहर में सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं, साथ ही एक पत्र कहते हैं ना इन चीजों से लोगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हर वर्ष समाज चिराग यूथ फाउंडेशन सम्मानित करती है और इस वर्ष भी करने जा रही है। चिराग यूथ फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में और वृक्षारोपण के क्षेत्र में इस क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चिराग फाउंडेशन इसी तरह कार्य करती रहे जैसे प्रेरणा मिले लोगों से और अच्छा कार्य इसी तरीके से शहर में होते रहे। 23 लोगों को अवार्डेड किया जा रहा है अब की बार, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, पशु प्रेमी क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि चिराग यूथ फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से ब्लड बैंक को लेकर और पर्यावरण को लेकर जो काम कर रही है वो एक निस्वार्थ भाव से चिराग यूथ फाउंडेशन का प्रत्येक मेंबर ये वर्क कर रहा है। और आपको बताने में हमको बड़ा हर्ष हो रहा है कि चिराग यूथ फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से एक OPD सेंटर चलाती है जो भोगीपुरा ग्रीन हाउस के नाम से चलाया जाता है। हम लोग उसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क दवाई वितरण वहाँ पर करते हैं, मात्र 20 रुपये में 1 वीक की दवाई हम लोग वहाँ पर देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर चिराग यूथ फाउंडेशन 4 वर्ष से एक अवार्डेड कार्यक्रम भी करती है। जो लोग अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो लोग काम करते हैं समाज के क्षेत्र में, विभिन्न फील्ड में, विभिन्न क्षेत्रों में, उन लोगों को हम लोग घर जाकर चयनित करने का काम करते हैं। पूरा सर्वे होता है, बाकायदा पूरी टीम इनका एक निष्कर्ष निकालती है, तब हम सब लोगों को अवार्डेड करने का काम करते हैं ताकि उन लोगों को लाएँ बाहर निकाल के, उनकी प्रतिभा जो छुपी हुई है हम उनको लाकर एक जगह पर अवार्डेड करते हैं। सारे अवार्डेड्स को इकट्ठे कर हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम मातृवेश में सजाने जाते हैं, एक बहुत अच्छा जाति का, धर्म का और एक सारे अवार्डेड को मिलकर हर फील्ड के, हर क्षेत्र के लोगों का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता चिराग यूथ फाउंडेशन सजाना चाहती है। और 26 तारीख को मातृवेश में एक कार्यक्रम होने जा रहा है और निश्चित ही बहुत सफल, बहुत अच्छी प्रतिभागी आपको उस दिन मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों की अदृश्य शक्तियाँ मिलेंगी जिन्होंने पशु के प्रेम में अपने घर से पहले खाना, अपने खाने से पहले, अपने परिवार के खाने से पहले वो लोग पशु को खाना बनाने का काम करते हैं। कोई टोस्ट डालने का काम करता है, कोई रोटियां बनाने का काम करता है, कोई बंदरों को नित्य दिन चना और घर पे मोट डालने का काम करता है। इस तरह के लोगों को हमने निखारने का काम किया।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।